सत श्री अकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ विनित कपूर। और पंजाब दे विच 2022 चोणां दी काउंटिंग तो पहला जिहड़े एग्जिट पोल आए ने उन्होंने नब्ज़ की रफ्तार नू ज़्यादा तेज़ कर दिता। कैप्टन संदीप सिंह संधू साढ़े नाल ने गलबात करने आ। सिर साहब कहते नब्ज़ की रफ्तार जी है तेज है, तुसी भी रफ्तार चैक कर रहे हो। उत्थे की जी खड़ी है, मेरी तो नहीं वधेगी। अच्छा, थोड़ी नहीं वधेगी? नहीं, उत्थे की जी खड़ी है, क्योंकि देखो 2017 दे विच भी ये हालात देखे सी। एग्जैक्टली आए हालात सी इहो जी, एग्जिट पोल सीगे, किसी ने सोचा ही नहीं सीगा कि रिजल्ट की आ रहा है। ये एग्जिट पोल से एग्जिट ही है, मतलब वर्ड आई थिंक एग्जिट होना चाहिए इन्हों का, क्योंकि कोई विशेष तरीका नहीं अपनाया जाता। पता नहीं बहुत चीज़ें इस चीज़ हम जुड़ चुकी हैं। इनफैक्ट कई बार तो यह होना चाहिए भी एग्जिट पोल होनिया भी चाहिए, या कराए जो मर्जी करा देनिया चाहिए। वैसट बंगाल से देख लो एग्जिट पोल हुई सी, आही सीगे, किसी ने ममता जी को चांस ही नहीं दिता सीगा, तो ममता जी को पिछली बार नालों भी वध सीटा मिली। और उत्थे पंजाब च भी यही होना है कि जेडे 90-100 सीटा की गल करते हैं, अखीर च उत्थे ही जी आ जाएंगे जिथे 2017 सीगे। कित्थे खड़ा वेखदे हो अज कांग्रेस पार्टी नूं तुसीं, कित्थे खड़ा वेखदे हो? और एग्जिट पोल की गल ना करिए, एग्जैक्ट पोल की गल करिए, किनिया कु सीटा कांग्रेस के खाते च आ सकदी? सो मैं कांग्रेस पार्टी नूं विश्वास नाल कह सकदा कि साडे कैंडीडेट्स ने बहुत जबरदस्त और बड़े सोहने तरीके नाल ग्राउंड जीरो ते लड़ाई लड़ी है। हर पास्यों जिन्हों कहिंदे भावें मेहनत मशक्कत किसी पास भी गिण लो, और यही करके ये जज्बा, ये फीलिंग, ये विश्वास, ये दृढ़ता देखण नूं मिल रही है कांग्रेस कैंडीडेट्स दे विच, और कांग्रेस की जिहड़ी सीनियर लीडरशिप आ उन्हां विच, कि जिहड़ी ये कैंपेन है जां जिहड़ी लड़ाई है ग्राउंड जीरो ते बूथ लैवल ते बहुत सोहने और बड़े विश्वास तरीके नाल लड़ी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी जी नाल नूं लैके लड़ी गई हैगी है, उन्होंने 111 दिनां च की काम कीते गए उन्होंने लैके दित्ती गई है, जिहड़ा बदलाव चरणजीत सिंह चन्नी लैके आया उन्होंने लैके दित्ती गई है। लेकिन थोड़ा नहीं लगता जिस तरह कुछ कैंडीडेट कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी कांग्रेस नूं हराना चाहते सी, इस तरह की एलीगेशन दे विच क्या स्टैंड कर पाओगे? सच्चाई है, कई थावां ते गल हुई है, ये नहीं होनी चाहिए सी। जिथे जिथे कैंडीडेट्स नाल इस किस्म का माहौल बनाया गया वो अफसोसनाक है। चोणां दौरान हर पार्टी दे विच सिस्टम आउंदा है, इस किस्म का माहौल कई सीटां ते बंद है, और जिथे जिथे भी बनिया उत्थे मेरे हिसाब नाल पार्टी नूं सख्त कदम चुकने चाहिए। जीपी ते सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ते एलीगेशन लग गए, कहिंदे उन्हां दी सरप्रस्ती हेठ ही मेरी सीट नूं खराब किया गया, मेरा गला घोटा गया। देखो जीपी साहब साढ़े उत्थों के मौजूदा MLA है, मैं विश्वास ना कह सकदा साढ़े आने वाले MLA भी बसी पठाना तो गुरप्रीत सिंह जीपी है। थोड़ी सीट की अगर गल करिए, थोड़ी सीट के उपर किस तरह का रुझान वेखन नूं मिल रहा है, क्या स्थिति स्पष्ट होगी? देखो जिहड़े थोड़े वर्करस है, जिहड़े थोड़ी टीम है, उन्होंने पूर्ण विश्वास प्रकट किया, उन्होंने मेहनत, उन्होंने लगन, उन्होंने यूनिटी दिन रात एक करके उन्होंने आपका योगदान पाया। जो उन्होंने चेहर से रौनक देखते हैं तो फिर लगता कि दाखा की सीट के जोड़े इस बार नतीजे होंगे हैरानीजनक हो। चलो थोड़ी गल ना करिए, जेकर थोड़ी जित होंगी है, जित का सहरा किसते सहरे उत्ते? सच्चे पातशाह, वर्कर्स, मुख्यमंत्री। तो जेकर एग्जिट पोल सही होंगे ने फिर कौन जिम्मेदार? कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी है सारे की, क्यों वह कारण दसूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहोजा लीडर रहा है जिन्हें पूरे चोणों दौरान जिथे जिथे जिसने जरूरत मंगी उत्थे पहुँचा, कैंपेन की, असी वो कैंपेन च ना लिता, बाकियों ने जवाब देना होगा भी उन्होंने की किया है। लेकिन जरा यह कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की जुगलबंदी नहीं बन पाई, जे जुगलबंदी बनती तो शायद कुछ होर रिजल्ट होंगे, वह भी जिम्मेदार रहेंगे इस पूरे? शायद कहे रिजल्ट, रिजल्ट कल आने दो तो सही, फिर गल करा, ये सवाल कल तो बनता। चलो यार सवाल जरा कल तो बनता, क्योंकि रिजल्ट आने थोड़ा ही समा बाकी है, वेखन वाली गल रहेगी कि इस बार के रिजल्ट की कहते हुए नजर आने। कैमरामैन आनंद नाल विनित कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।